हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग की स्टार टूस्डे की रात से कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आलू बैंगन की सब्जी छौंक ली थी, आलू बैंगन काट के आलू बैंगन की सब्जी बना ली थी रात को। फिर मैंने केले भी बॉयल कर लिए थे सुबह में, बच्चों के केले के कोफ्ते बनाऊँगी सुबह बच्चों के लिए, स्कूल के लिए टिफिन के लिए। बस यहाँ पर मैंने आलू बैंगन की सब्जी बन के तैयार हो गई थी, फिर मैंने रोटी बना लिया था। फिर बस यहाँ पर सभी ने रात का डिनर कर लिया था। यहाँ पर मैं आपसे मिलूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग की सुबह का ब्लॉग है, वेनसडे की मॉर्निंग की सुबह का ब्लॉग है। यहाँ पर मैं उठ गई थी, बच्चों के लिए स्कूल के लिए टिफिन बनाना था, तो मैंने केले रात को बॉयल करके रख दिए थे, 5-6 केले बॉयल करके रख दिए थे। उसके बाद उनको छील लिए थे, अच्छे से मैश कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने उसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हरी मिर्च काट लिए थे और नमक डाल दिया था, स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने 1 चम्मच अजवाइन मैश करके डाल दिया था, फिर मैंने 2 चम्मच बेसन डाल दिया था उनमें, तो अच्छे से मिला लिया था। फिर मैंने यहाँ पर अच्छे से मिलाने के बाद मैंने तेल गरम करने रख दिया था। उसके बाद मैंने बॉल बना लिए थे, फिर मैंने फ्राई कर लिए थे इनको, 10 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने 2 प्याज काट लिए थे मीडियम साइज़ के और लहसुन छील लिया था, इनको थोड़ी देर फ्राई कर लिया था, 5 मिनट तक फ्राई कर लिया था। फिर मैंने ठंडा करने के बाद पीस लिया था और 2 टमाटर भी डाल के पीस लिए थे, इनके ग्रेवी बना लिया था मैंने। फिर उसके बाद ग्रेवी पका लिया था, तो उसके बाद फिर मैंने इनमें कोफ्ते डाल दिए थे। फिर यहाँ पर मेरे कोफ्ते बन के तैयार हो गए थे। फिर मैंने हरा धनिया डाल दिया था, ऊपर से हरा धनिया डाल दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे कोफ्ते, केले के कोफ्ते बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। फिर मैंने रोटी बना ली थी बच्चों के लिए, फिर टिफ़िन पैक कर लिया था उनके लिए। यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट भी काट लिए थे, फ्रूट तो मैं एप्पल ही देती हूँ, ज़्यादा करके बच्चे एप्पल ही ले जाते, यहाँ पर मैंने एप्पल भी काट लिए थे। फिर उनका टिफ़िन लगा लिया था मैंने, उसके बाद वह बच्चे चले गए थे स्कूल, उनको छोड़ के आ गए थे मैं स्कूल से घर। उसके बाद चली गई थी मैं छत पर, तो मैंने सारे प्लांट में पानी डाल दिया था। आजकल बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, बारिश नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा सूख गए थे प्लांट, तो मैंने पानी डाल दिया था, सारे प्लांट में पानी डाल दिया था। उसके बाद फिर नीचे आ गई थी, चाय बना लिया था, यहाँ पर चाय पी ली थी हमने। उसके बाद फिर मैंने बैठे वाले रूम की बेडशीट चेंज कर ली थी, यहाँ पर डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने बेडशीट लगा ली थी। बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने बेडशीट चेंज कर ली थी आज, यहाँ पर बेडशीट लगा लिया था। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगा लिया था, डस्टिंग कर ली थी पूरी। उसके बाद फिर मैंने पोछा लगा लिया था ऊपर, पूरे कमरे में पोछा लगा लिया था, बरामदे में दोनों रूम में मैंने पोछा लगा लिया था। बस यहाँ पर जल्दी से पोछा लगा लिया था। उसके बाद फिर मैंने गैलरी की धुलाई कर ली थी, गैलरी भी बहुत दिनों से मैंने धुलाई नहीं करी थी, तो आज मैंने पानी डाल के थोड़ा निरमा फिनाइल डाल के मैंने झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पर वाइपर लगा, सोच रहे होंगे कि दूसरा सूट चेंज कर लिया। यहाँ पर मैंने सूट इसलिए चेंज करा क्योंकि जब मैं केले कोफ्ते के लिए ग्रेवी का मसाला बना रही थी, तो मिक्सी चलाई मैंने, सारा मसाला मेरे ऊपर गिर गया कपड़ों पे, तो मैंने सूट चेंज कर लिया था क्योंकि मैंने बच्चों को छोड़ने जाना था स्कूल, तो सूट चेंज कर लिया था। उसके बाद ऊपर का सारा क्लीनिंग हो गया था मेरा, फिर नीचे कर लिया था मैंने दोनों रूम की और बरामदे की और बाहर की भी कर ली थी। बस यहाँ पर नीचे पूरा क्लीनिंग कर लिया था मैंने, झाड़ू पोछा लगा लिया था नीचे। उसके बाद फिर मैंने मेन गेट की भी धुलाई कर ली थी, यहाँ पर मेन गेट की तो मैं डेली करती हूँ धुलाई, नीचे का मैं बहुत कम दिखाती हूँ, आज दिखा लिया था मैंने, वैसे मैं दिखाती हूँ नहीं, नीचे का बहुत कम दिखाती हूँ। बस यहाँ पर मैंने बाहर धुलाई कर ली थी और नाली तो मैं 1-2 दिन छोड़ के कर लेती हूँ, पानी तो मैं डेली डाल देती हूँ 1 बाल्टी। उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर, नीचे हो गया था, तो नीचे ऊपर मेरी गैलरी भी सूखी थी। उसके बाद मैंने वहाँ पर दाल रख दिया था सुखाने के लिए, फिर मैं नहा गई थी, फिर मैं तैयार होकर चली गई थी बाजार मिठाई लेने, क्योंकि मेरे साथ जा रही थी अपने मायके रक्षाबंधन के लिए, तो मैं मिठाई ले आती थी 2 डब्बे उनके लिए, 2 डब्बे अपने लिए ले आई थी। उसके बाद दोपहर में मैंने बना लिया था मटर पुलाव, यहाँ पर मैंने मटर फ्रोजन मटर ले आई थी 1 पैकेट और 2 आलू काट लिए थे और लहसुन प्याज मैंने छील लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर पुलाव छौंक लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रेशर में तेल डाल दिया था, तेल डालने के बाद फिर मैंने जीरा डाल दिया था, हींग डाल दिया था, 1 तेज़पत्ता डाल दिया था, फिर मैंने
लहसुन प्याज भून लिया था। 2-3 मिनट लहसुन प्याज भुनने के बाद फिर मैंने उसमें एक टमाटर काट लिया था, टमाटर डाल दिया था। टमाटर डालने के बाद मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे, मसाले को थोड़ा भून लिया था, 2-3 मिनट भून लिया था। उसके बाद मैंने आलू मटर डाल दिए थे, उनको भी मैंने मसाले के साथ थोड़ा 2-3 मिनट भून लिया था। फिर मैंने चावल डाल दिए थे उसके बाद। पानी लगा दिया था, जितना पानी मुझे इसमें चाहिए था तो उतना पानी मैंने लगा लिया था। फिर मैंने हरा धनिया भी काट के डाल दिया था इसमें। उसके बाद मैंने 2 सीटी लगा लिए थे बस इस पर। यहाँ पर मेरा पुलाव बन के तैयार हो गया था। उसके बाद मैं तैयार होकर स्कूल चली गई थी, बच्चों को लेने स्कूल चली गई थी। बाहर आके देखा तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही थी, आँख नहीं खुल रही थी। बस उसके बाद मैं बच्चों को लेने चली यहाँ पर आ गए थे बच्चे स्कूल से घर, तो उनको दोपहर का लंच दे दिया था, पुलाव बन गया था। उसके बाद मैंने उसमें अमूल मक्खन डाल दिया था, दही ले आई थी मैं, दही डाल के, और सुबह के कोफ्ते बच रखे थे वो दे दिया था बच्चों को। बस यहाँ पर बच्चों ने दोपहर का लंच कर लिया था, सभी ने कर लिया था दोपहर का लंच। उसके बाद मैंने दिन में कुछ भी शूट नहीं करा, फिर शाम को शूट करा मैंने रात को। यहाँ पर मैं बना रही थी नमक पारे। यहाँ पर मैंने 2.5 कटोरी मैदा लिया था, जो मैंने रिफाइंड ऑयल की कटोरी है उसी से मैंने मैदा लिया था 2.5 कटोरी, और 1/2 कटोरी मैंने रिफाइंड डाला जिसको मोइन बोलते हैं। उसके बाद 1 चम्मच मैश करके मैंने अजवाइन डाल दिया था और नमक डाल दिया था। उसके बाद अच्छे से मिला लिया था आटे के साथ, रिफाइंड ऑयल को अच्छे से मिला लिया था। उसके बाद बस यहाँ पर आटा मेरा बन के तैयार हो गया था। फिर मैंने धीरे धीरे पानी डाल के आटा गूंथ दिया था। यहाँ पर एक सॉफ्ट होना चाहिए नमक पारे के लिए, तभी नमक पारे करारे बनते अच्छे से। मैंने आटे को 10 मिनट यहाँ पर रेस्ट करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैंने तेल गर्म करने रख दिया था, यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया था। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लोई बना के मैंने बेल लिया था, फिर मैंने चाकू से काट के फिर मैंने फ्राई कर लिए थे। बस यहाँ पर 10 मिनट तक इनको फ्लेम पे फ्राई कर लिए थे। बस यहाँ पर नमक पारे बन के तैयार हो गए थे। बनके तैयार हो गए थे। फिर मैंने मेहंदी लगा ली थी क्योंकि रक्षाबंधन था अगले दिन, तो यहाँ पर मेहंदी लगा ली थी रात को। बस आज के ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद है। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नया आता है चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।